हे मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब कुछ जब अपने पुण्य आत्माओं को देता हूँ उससे पहले उनके भीतर एक विकार होता है, वो होता है अहंकार का विकार। और जब इस अहंकार रूपी विकार को मैं नाश कर देता हूँ, तब मैं अपनी उस पुण्य पवित्र आत्मा को, अपने उस प्रिय बालक को तैयार कर देता हूँ इस ब्रह्मांड की हर एक बेहतर चीज उसकी तरफ आकर्षित हो इसके लिए। लेकिन उससे भीतर अहंकार का जो बीज होता है उसे मुझे ख़त्म करना ही पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे। जब तक हमारे भीतर अहंकार होता है, ये अहंकार बहुत ही बुरा है। इस अहंकार के कारण हमारे भीतर क्रोध, काम क्रोध, ईर्ष्या, जलन, बैर विरोध की भावनाएं आने लगती हैं। और जब तक ये मानव के शरीर में होती है, तब तक वह अपनी उन्नति नहीं कर पाता, क्योंकि वो अहंकार उसको कहीं ना कहीं डुबा ही देता है मेरे प्यारे बच्चे। अगर एक इंसान बगैर किसी अहंकार को तोड़े उसकी आर्थिक उन्नति हो जाती है, तो वो अपने अच्छे समय में उस अहंकार के कारण ऐसे गलत कर्म करता है जिसके कारण वो पुनः अपने दोबारा से उसी स्थिति पर आ जाता है, बहुत ही दयनीय स्थिति पर आ जाता है मेरे प्रिय बालक। इसलिए मैं अपने प्यारे बच्चों को बहुत कुछ देने से पहले उनके अहंकार का नाश करता हूँ। जैसे कि एक फूल जब तक खिलता है, जब तक वो मिट्टी से जुड़ा होता है, इसी प्रकार मानव चाहे जितना भी ऊंचा चला जाए, उसको कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसको कभी भी किसी का भी, किसी दुखी का, असहाय का, निर्धन का, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को दर्द पीड़ा नहीं देनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। और मैंने तुम्हारे भीतर उस अहंकार रूपी दुश्मन का विनाश कर दिया है और तुम्हें तैयार कर दिया है कि तुम इस ब्रह्मांड की हर एक सर्वोच्च चीज़ पाने के पूरे हकदार हो मेरे प्यारे बच्चे, पूरे हकदार हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर है मेरे प्यारे।